हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं रश्मि आपको स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ग्लोई मेकअप लुक। ऑफलाइन मैंने अपना स्किन क्लीन कर लिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइजर लगाया है। इस लुक को मैंने अपने फेस मेकअप से शुरू किया है, तो फेस मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे प्राइमर यूज़ किया है। प्राइमर को पूरे फेस पर लगाकर मैंने यहाँ पे 5 मिनट छोड़ दिया है उसे सेट होने के लिए। प्राइमर सेट होने के बाद मैंने यहाँ पे फाउंडेशन लगाया है। फाउंडेशन को पूरे फेस और नेक पर डॉट डॉट करते हुए लगाया है। उसके बाद मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। इस मेकअप के लिए आज मैंने कंसीलर यूज़ नहीं किया है। फाउंडेशन लगाने के बाद मैंने यहाँ पे पाउडर लगाया है, कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है। इस मेकअप में मैंने आज ब्लश यूज नहीं किया है, मेकअप को बहुत सिंपल रखा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे हाइलाइटर यूज किया है। फेस को हाईलाइट करने के लिए अपने चीक पर, नोज पर, फोरहेड पर, अपर लिप्स पर, चिन पर अच्छे से हाईलाइटर लगाया है। के लिए मैंने आई लुक सिंपल रखा है। मैंने एक ट्रांजेक्शन शेड लेकर अपने ट्रांजेक्शन एरिया से आईलिड तक अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, उंगली से ब्लेंड किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक गोल्डन कलर की सिमरी शेड लेकर अपने आईलिड को अच्छे से फिल कर लिया है। इस लुक के लिए आज मैंने काजल एंड लाइनर यूज नहीं किया है, आई को सिंपल रखा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मस्करा यूज किया है। मस्करा लगाने के बाद मैंने यहाँ पे पिंक कलर की लिप शेड यूज किया है, अपने लिप को फिल कर लिया है। मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए मैंने यहाँ पे फिक्सर यूज किया है। उसके बाद मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सबको ये लुक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।